एक चुने हुए मुख्यमंत्री को साजिशन जेल में कैद करके कैसे उनके स्वास्थ्य के साथ मजाक और जान से खिलवाड़ हो रहा है, ये हर भारतवासी को देखना चाहिए। तानाशाही सत्ता, उसका एजेंट एलजी और जेल प्रशासन की मोदी गैंग का ये पूरा सच आज हम आपको बताएंगे। पहले ये गैंग बेशर्मी से कहती रही कि सीएम केजरीवाल जेल में आलू पूड़ी आम खा रहे हैं, जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं, और इसके आधार पर उन्होंने सीएम केजरीवाल की इंसुलिन रोककर उनकी जान लेने की साजिश की। वो तो भला हो अदालत का जिसने इस मामले में हस्तक्षेप किया और सीएम केजरीवाल की जान बच सकी। मगर अब जब एम्स की ताजा रिपोर्ट आई तो पता चला कि सीएम केजरीवाल का वजन लगातार घट रहा है। उन्हें टाइप 2 डायबिटीज और हाइपोग्लाइसीमिया है, जिसमें लगातार शुगर लेवल कम रहता है, जिससे मरीज के कोमा में जाने का खतरा रहता है। इस रिपोर्ट पर मोदी गैंग अब कहने लगी है कि सीएम केजरीवाल जानबूझकर खाना नहीं खा रहे ताकि अपना वजन कम कर सकें, दवाई नहीं ले रहे ताकि अपना शुगर लेवल कम कर सकें। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि महामानव चौथी पास हैं तो उनकी पूरी गैंग भी अनपढ़ हो। क्या इन्हें ये नहीं पता कि लगातार शुगर लेवल कम रहने से इंसान की जान जा सकती है? इनकी ही जेल की मेडिकल रिपोर्ट साफ बता रही है कि सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल एक या दो बार नहीं, बल्कि जेल में जाने के बाद हर दूसरे दिन 50 के आसपास या 50 के नीचे गया है। और भाजपाई गैंग अपने एलजी से झूठ भरी चिट्ठी लिखवा रही है कि केजरीवाल जानबूझकर अपना शुगर लेवल कम कर रहे हैं, मतलब सीएम केजरीवाल खुद अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। एलजी साहब, आप खुद सुन रहे हो जो आप कह रहे हो? ये तानाशाही की हद है। खुद सीएम केजरीवाल को किसी भी तरह जेल में रखकर उनकी हत्या के प्रयास का षड्यंत्र और ऊपर से झूठ का प्रपंच, इस घटना ने साफ बता दिया कि मोदी और भाजपाई गैंग जेल में न सिर्फ सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि उनकी जान लेने की भी साजिश रची जा रही है।